हेलो फ्रेंड्स, मैं कृतिका, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ, एक अपडेट वीडियो जिसमें कि मैं आपको अपडेट्स दूंगी। जो मैंने कटिंग्स लगाई थी एक महीने पहले, मैंने आपके साथ भी शेयर करी थी कि मैंने सॉक्यूलेंट की कटिंग लगाई है, तो उसका क्या रिज़ल्ट मेरा रहा है, तो मैं आपके साथ में वही शो करने वाली हूँ कि रूट आई है कि नहीं आई है। क्योंकि हम लोग कटिंग्स लगा देते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये भूल जाते हैं आपके साथ में शेयर करना कि आपको उसका रिज़ल्ट दिखाए। जैसे कि आप ट्राई करें तो आपको पता चले कि कटिंग सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती है, और अगर होती भी है तो उसका मेथड जो हमने यूज़ करा है उससे उसमें कितना सक्सेस रेट आता है और कितने टाइम में आता है। काफ़ी टाइम से मैं इसकी रूट्स देख रही हूँ, अप्रॉक्स 1 वीक या 10 डेज मुझे हो गए हैं इसमें, मुझे सब में रूट्स दिखने लगी हैं, ऊपर भी दिख रही है, बट थोड़ा मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं आपके साथ में यही शो करने वाली हूँ। देखिए, मैंने ये कुछ 5 सॉक्यूलेंट्स लगाए थे जो कि मैंने सब कटिंग से ग्रो करे हैं, तो मैंने आपके साथ में सभी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी थी कि इसकी पॉटिंग मिक्स हमें कैसी बनानी है, कटिंग का साइज़ क्या होना चाहिए, कटिंग हमें कैसे लगानी है, तो मैं आपको वही शो करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले ये हमारा है जेली बीन, इसमें आपको इसकी रूट्स विजिबल हो रही होगी। देखिए, इसकी साइड से भी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई है, एंड मोस्टली इसकी जो लीव्स है वो शेड हुई है, क्योंकि जो वीक लीव्स होती है वो शेड हो जाती है, तो वो मैंने इसमें से निकाली नहीं है। एंड मैं आपके साथ में एक चीज़ और भी शेयर करूँगी अभी लास्ट में, तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो इसकी लीव्स है वो, ये देखिए, जो वीक लीव्स है वो शेड हो जाती है, तो कोई इशू की बात नहीं है। जब भी आप सॉक्यूलेंट्स को ग्रो करते हैं तो जो उनके नीचे की जो लीव्स होती हैं वो अपने आप ही सूख करके या फिर वो वीक हो जाती है, तो वो गिरती रहती हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ऊपर आपको न्यू ग्रोथ दिख रही होगी, तो अगर हमारी जो लीव्स है वो शेड होती है तो, लेकिन न्यू ग्रोथ होनी ज़रूरी है। लीव शेड हो रही हैं, नो वरीज, लेकिन न्यू ग्रोथ आपको ज़रूर दिखनी चाहिए। तो ये जो इसकी लीव्स है मैं इसमें पड़ी रहने देती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इसमें से बेबी प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं, तो मे बी हमें एक न्यू प्लांट और मिल जाए। इसमें से भी देखिए रूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसके मतलब ये हमारी जो कटिंग्स है वो दोनों ही सक्सेसफुली हमारी चल गई है। नेक्स्ट प्लांट है ये, इसको मैं आपको निकाल करके भी दिखा सकती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि इसमें भी जो आपकी रूट्स हैं वो आनी स्टार्ट हो गई हैं, इट मींस ये भी हमारी कटिंग सारी सक्सेसफुल हो चुकी है। और इसकी जो साथ वाली भी, देखिए इसमें आपको यहाँ पे लीव्स भी दिख रही होगी, ये इसकी लीव्स जो शेड हो जाती हैं, और इनको आप रिमूव कर दें। ये जब आपकी लीव पूरी की पूरी इस तरीके से सूख जाती है ना, तो आप उसको रिमूव कर दें, वो इसमें पड़ी रहेगी, तो ये जब इस पर पानी पड़ेगा तो इसमें जो है इन्फेक्शन होने की चांसेस रहते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो इन्फेक्टेड हो जाए, इसमें कुछ बैक्टीरियाज आ जाए, उसकी वजह से हमारी सॉइल भी ख़राब हो जाए, उसकी वजह से हमारे जो प्लांट है, प्लांट भी हमारा इन्फेक्टेड हो जाए, तो उसका बहुत आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके की जो लीव्स हैं वो आपको निकाल देनी है। और ये जो है, देखिए इसमें न्यू ग्रोथ भी आपको दिख रही होगी, इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये हमारे जो प्लांट है इसकी 100% ये हमारा सक्सेस हो चुका है। सेम इसी का ही प्लांट मैंने इसमें भी ग्रो करा था, इसमें भी सेम यही है, देखिए आपको रूट्स दिख रही होगी, इसमें भी रूट्स आनी स्टार्ट हो गया। मोस्टली मेरे सारे प्लांट्स में रूट्स आ चुकी है, तो इसको मैंने एक नर्सरी पॉट में लगाया था, ये क्यूट सी पेंटिंग करके इसके ऊपर, एंड इसकी रूटिंग मुझे सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि इसमें चारों तरफ पिंक पिंक रूट्स मुझे दिख रही हैं, बहुत ही अच्छी रूटिंग इसमें स्टार्ट हुई है, एंड न्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हेल्दी हो गया है मेरा प्लांट। तो और एक चीज़ और मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो भी इसमें ये ड्राइड लीव्स हैं आप उनको हटा दें, क्योंकि उनसे हमारे जो प्लांट्स हैं उनको थोड़ा ख़राब होने का रहता है, तो उसको क्लीन करते रहे। सॉक्यूलेंट्स का थोड़ा केयर इसीलिए ज़्यादा रहता है कि इसको आपको क्लीनिंग और इसको जो ध्यान देना है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अभी मैंने इसको थोड़ा साफ़ भी करा है, तो उसकी वजह से अभी मैं इसको क्लोथ से भी एक बार हल्का सा क्लीन कर दूंगी, जिससे कि ये जो उसकी लीव्स हैं उनके ऊपर ये पानी रुके नहीं, तो इस वजह से भी मैं अभी इसको साफ़ करूँगी। आज क्लीनिंग का ही मैंने पूरा निकाला है कि हाँ, आज मुझे सॉक्यूलेंट्स और प्लांट्स को क्लीन करना है। नेक्स्ट है मेरा ये जेड प्लांट। जेड प्लांट पे रूटिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये जेड प्लांट लगाया था, कटिंग से ही ग्रो करा था, तो उसकी रूट्स मेरे को एटलीस्ट 2.5 मंथ के बाद शो हुई थी। तो मैं आपको लेकिन दिखाती हूँ कि इसमें रूटिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई। वैसे ये प्लांट्स को निकाल निकाल कैसे देखना नहीं चाहिए, बट आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, जैसे कि आप लोग ना ये चीज़ करें और आपके प्लांट्स नहीं ख़राब हों, इसलिए मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ।
तो ये देखिए, जेट प्लांट में रूटिंग स्टार्ट अभी नहीं हुई है, ये वैसी का ही वैसा है। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम भी मैंने लगाया था तो उसका 2.5 मंथ लगा था निकलने के लिए, इसमें रूटिंग आने के लिए। तो मैं अभी इसको दोबारा से वैसे ही प्लेस कर दूंगी। तो आप भी, जेट प्लांट के साथ में थोड़ा सा रूटिंग का इशू रहता है, इसमें रूटिंग बहुत लेट स्टार्ट होती है, तो आप भी अपने प्लांट को लगा करके यहाँ थोड़े टाइम के लिए भूल जाए। बट हाँ, मोस्टली इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके प्लांट में अगर न्यू ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है, इट मीन्स आपके प्लांट को, आपके प्लांट ने सर्वाइव कर दिया है, उस पर रूटिंग भी स्टार्ट हो ही जाएगी थोड़े टाइम में। तो ये देखिए, जो मैंने प्लांट लगाया था इसमें, ये देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट इसकी हो रही है। जितने भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी न्यू ग्रोथ हो रही है। ये छोटा सा एक कटिंग मैंने ये लगाई थी छोटी सी, इसमें भी न्यू ग्रोथ हो रही है। ये देखिए न्यू ग्रोथ इसमें भी हो रही है, एंड न्यू ग्रोथ तो इसके अंदर भी हो रही है, जिसमें मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया वाला प्लांट की, इसमें रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है बट न्यू ग्रोथ हो रही है। इट मीन्स अभी नहीं तो थोड़े टाइम में इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये भी प्लांट भी हमारा अच्छे से चल जाएगा। तो ये तो थी मेरी आज की अपडेट्स आपके लिए कि जो हमने कटिंग्स ग्रो करी थी वो मेरी कैसे चल रही हैं। मैंने बेबी सन रोज़ की भी कटिंग लगाई थी, देखिए इसका भी बहुत मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला है। बहुत ही अच्छे से ये कटिंग चल रही है, मैंने ये भी कटिंग से ही ग्रो करा है प्लांट, एंड ये भी कटिंग से ही ग्रो करा है। अभी ये भी देखिए थोड़ा ज़्यादा ऐसे बढ़ रहा है, तो मैं इसको भी यहाँ से सोच रही हूँ कट करके और इसकी कटिंग भी मैं फिर से ग्रो कर दूँ, तो प्लांट थोड़ा मतलब अकॉर्डिंगली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा ये बुशी भी हो जाएगा। मेरे छोटे से क्यूट से ये क्रीम का जो बॉक्स होता है, मैंने उसको पेंट करके उसके अंदर लगा रखा है। इस तरीके से आप अपने गार्डन में छोटी छोटी कटिंग्स ग्रो करने के लिए बॉटल्स होती है या कोई भी चीज़ होती है, आप उसको पेंट कर सकते हैं और क्यूट क्यूट इस तरीके से प्लांटर्स बना सकते हैं। ये सभी प्लांटर्स मैंने किसी ना किसी वेस्ट मटेरियल से ही बनाए हैं, कटिंग्स ग्रो करने के लिए बेस्ट रहते हैं। मैं नर्सरी पॉट्स थोड़ा कम परचेज करना थोड़ा कम प्रिफर करती हूँ कटिंग्स के लिए बेसिकली। तो ये मेरी अपडेट्स हैं आज के लिए। तो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपके साथ में एक अपडेट भी शेयर करने वाली हूँ, तो ये है मेरा अपडेट। मैंने आपके साथ में वीडियो में अपनी शेयर करा था कि मैंने जितनी भी हमारी लीव्स थी, मैंने शॉपिंग वीडियो में जो हमारी एक्स्ट्रा लीव्स थी उनको सबको मैंने आपको दिखाया था कि मैं प्रोपोगेट करने वाली हूँ। तो आज जैसे कि मैं आपको सबके रिजल्ट दिखा रही हूँ, तो मैं आपको इसका भी रिज़ल्ट शो करती हूँ। बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिला है मुझे। तो ये देखिए, ये इसमें रूटिंग है एंड इसके अंदर से ये दो बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। मैंने इसको जस्ट कोकोपीट में ग्रो करा है, एंड वंस इन अ टू डेज मैं इसके ऊपर हल्का सा सिर्फ पानी स्प्रे कर देती हूँ स्प्रे वाटर बॉटल से, और कुछ भी नहीं मुझे इसमें करना पड़ता। तो ये देखिए आप इसका रिज़ल्ट, मैं आपको और भी प्लांट्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसकी रूट्स है, एंड ये देखिए इसका बेबी प्लांट। उसके बाद में इसको अगर आप रिमूव करें, बहुत इजीली करें, क्योंकि अगर इसकी रूट्स टूट जाएंगी तो ये हमारा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, इसमें से भी जेली बीन की लीव है, इसमें से भी कितना सुंदर प्लांट निकलना स्टार्ट हो गया है। ये एक छोटा सा लीफ है और आप इसकी रूटिंग देखिए, ये सब कोकोपीट रूट्स पे ना, कोकोपीट सब ये पेस्ट हो गया, कवर कर लिया है इसने। आप इसकी रूटिंग देखिए, कितनी अच्छी रूटिंग इसके अंदर आ रही है। तो आप इसको बहुत आराम से प्लेस करें एंड अपने प्लांट्स को ज़्यादा ना छेड़ें। ये एक छोटा सा प्लांट था, ऐसे ही इसमें लगा हुआ था अलग से, तो मैंने उसको भी रख दिया था, एंड आप देखिए इसके अंदर भी कितनी अच्छी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए छोटी सी लीफ है एंड इसके ऊपर एक बेबी प्लांट निकल रहा है। तो मैं जितने भी मेरे प्लांट्स हैं, मैं इनको इसमें ही ग्रो करने वाली हूँ, एंड अमेजिंग रिज़ल्ट मुझे मिला। तो आप भी अपने घर पे, अगर आपको कोई नर्सरी में विज़िट करते हैं, कोई लीफ मिल जाती है तो आप उसको ला सकते हैं, या फिर आपके घर पे जितने भी सॉक्यूलेंट्स हैं आप उनको जब रिपॉट करते हैं तो उनकी जो लीव्स होती है आप उसको कभी भी फेंके नहीं, उनको आप हमेशा इस कोकोपीट के ऊपर इस तरीके से रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे लीव्स हैं उनमें से ही बेबी प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और हम एक लीव से भी एक न्यू सॉक्यूलेंट या न्यू प्लांट अपना ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरे अपडेट्स थे आज के लिए।
एंड मैं तो ये रिजल्ट देख के लिटरली बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरे पास में अब इतने सारे सर्कुलेंट्स आने वाले हैं। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।